नमस्कार, अपने नए तेवर और नए अंदाज में देखना शुरू कर चुके हैं एलआर भारत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपने बड़े भाई पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ फिलहाल के वक्त में पूरे बिहार के कोने कोने में जन विश्वास यात्रा के दौरान जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी बिहार के सहरसा पहुंचे। रास्ते भर में जन विश्वास यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महागठबंधन की कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तेजस्वी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का स्वागत किया। वहीं तेज प्रताप यादव अपने बिल्कुल पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अंदाज में नजर आए और कार्यकर्ताओं का जिंदाबाद का नारा स्वीकार किया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज प्रताप यादव हरे गमछे को सर पर बांधकर और कहीं कहीं सेल्फी भी लेते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान सहरसा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जनता से अपील की कि वह 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली में जरूर पहुंचे, लेकिन कहा कि वह बुजुर्ग हमारे गार्जियन उनका सम्मान करते हैं और हमने 17 साल के मुकाबले 17 महीने में नौकरी की बौछार कर दी और क्या कुछ कहना है। तेजस्वी प्रसाद यादव का पहले आपको सुनाते हैं। भाई नीतीश कुमार जी जब हम बोलते थे 10 लाख देंगे तो मुख्यमंत्री कहते थे कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के वेतन देगा। लेकिन चलिए, वो हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और आप लोगों का साथ चाहिए इस लड़ाई में, तो आप लोगों का साथ मिलेगा। और आदरणीय लालू जी ने नेता भेजा है, आप सब लोगों को आमंत्रित किया है पटना चलने के लिए। पटना में हम लोग विशाल महारैला करने जा रहे हैं, जन विश्वास महारैला, तो उसमें आप सब लोगों को पटना आना है। बड़ी से बड़ी संख्या में आइए और अपने नेता आदरणीय लालू जी की बात को वहीं सुनिए। उनका ऑपरेशन हुआ है, हमारी बहन ने किडनी दिया, इस वजह से डॉक्टर की सलाह पर वो जगह जगह नहीं जा पा रहे, लेकिन वो आप लोगों से संवाद करना चाहते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। तो आप लोग सब लोग पटना आइएगा ना, और दोनों हाथ उठा के बताइए आइएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूरा खगड़िया होते हुए बेगूसराय बाहर पटना हमको लौटना है, तो आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। तो आपने बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव बिल्कुल अपने गवाह अंदाज में और अपने पिताजी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तौर तरीके के मध्य नजर जनता को संबोधित भी किया, लिहाजा तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार इस तरीके से जनता का साथ मांग रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे बिहार के कोने में अगर देखे तो हर जगह पर महागठबंधन के जो समर्थन है, जो नेता है, वह लगातार तेजस्वी का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं इस भीड़ को देखकर विरोधी थोड़े बहुत तो जरूर परेशान होते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से नौकरी की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता इससे आकर्षित भी हो रही है। अगर आपने हमारे चैनल एलआर भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को एलआर भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। एलआर भारत, नमस्कार।